नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित चौधरी और सक्सेस प्लस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं रवि राजोतिया, जिन्होंने हाल ही में एसएससी सीजीएल सीपीओ और रेलवे एएलपी के एग्जाम्स क्लियर किए हैं। हालांकि ये एग्जाम जो हैं ये 2018 के एग्जाम्स हैं और ये इन्होंने पहले ही क्लियर कर लिए थे। इनका रिजल्ट आते आते 2021 हो गया है और ये सब आप जानते हैं, क्योंकि इंडिया में जो एग्जाम्स का जो प्रोसेस है, स्पेशली एसएससी का, वो कितना लेंदी और बीच में कोरोना भी आ गया तो और ज़्यादा लेंदी हो गया ये। तो उसके बाद भी रवि फाइनली इस रेस को पार करके आगे पहुंच चुके हैं और इनको फाइनली अब जॉइनिंग बाकी है इनकी। वैसे मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि मैं कोई ऐसा नहीं है कि रवि का इंटरव्यू कर रहा हूँ, इनका सिलेक्शन हो गया, इसलिए मैं रवि को पिछले 9 साल से जानता हूँ। 2012 से हमने इंजीनियरिंग साथ में की, उसके बाद हम साथ में थे काफ़ी लंबे समय तक, हमने कुछ काम भी साथ में किया था टीचिंग का भी, और उसके बाद अब भी हम कनेक्टेड हैं। और फाइनली रवि की इस अचीवमेंट के लिए मैं बहुत खुश हूँ और रवि का अपने चैनल पे बहुत बहुत वेलकम करता हूँ, ताकि आज इनसे हम बहुत कुछ सीख सकें किस तरीके से इन्होंने अपना अचीवमेंट को गेन किया और क्या जो इनकी जर्नी रही वो सब चीज़ें हम जानेंगे। ठीक है, तो वेलकम रवि, कैसे हैं आप, कैसा लग रहा है एग्जाम क्लियर करके? थैंक्स सुमित सर, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक तरह से मैं अपनी स्ट्रेटजी जो है, जो भी अपना एक तरह से जर्नी होती है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने की, उसको यहाँ पे सबके साथ शेयर करूँगा। और एग्जाम जो अपने सिलेक्टेड हुआ हूँ मैं, उससे तो मेरे को बहुत अच्छा ही लग रहा है। और अच्छा इसलिए भी लग रहा है कि जो रिजल्ट्स हैं वो आ चुके हैं, क्योंकि रिजल्ट्स आपको पता है पेंडेमिक के कारण सारे रिजल्ट्स लेट थे, तो फाइनल रिजल्ट आ चुके हैं तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। ओके, तो देखिए रवि, वैसे तो मैं तो आपको जानता ही हूँ बहुत लंबे समय से, लेकिन जो एस्पिरेंट्स हैं, जो हमारे चैनल के व्यूवर्स हैं, वो लोग बहुत सारे हैं जो जानते नहीं हैं। तो वो एक उनके एस्पिरेंट के मन में होती है एक बात बेसिकली, कि जो एस्पिरेंट जिसने एग्जाम क्लियर किया है उसका बैकग्राउंड कैसा रहा, वो कौन है, कैसा है, क्या वो क्या स्पेशलिटी है उसकी। तो आप बताइए कि आपका जो एक बेसिक इंट्रोडक्शन है कहाँ से क्या, ये सब चीज़ें आप एक बार बताइए ताकि लोग कनेक्ट कर पाएँ आपसे। जी, मेरा नाम रवि राजोतिया है और मैं राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले में, गांव है मेरा, वहां से बिलोंग करता हूं। मेरी जो फैमिली है बहुत ही एक तरह से बोल सकते हैं मिडिल क्लास ही बोल सकते हैं, और मेरे जो एकेडमिक्स हैं, जो स्कूली लाइफ थी, वो काफ़ी एक तरह से हिंदी मीडियम था, मैं हिंदी मीडियम में मैंने किया है 12th तक। उसके बाद में किया हमने बीटेक, ठीक है, जो हमने ग्रेजुएशन किया, मैंने और सुमित सर ने साथ में किया है 2012 से लेके 2016 के बैच तक, ठीक है। उसके बाद में ड्यू टू सम ऑब्वियस रीजंस मैंने टीचिंग जो थी वो मैंने एक तरह से अपनाई, स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट किया। लेकिन जैसे ही मैंने स्टार्ट किया, थोड़े टाइम में रियलाइज़ हो गया कि मेरी जो डेस्टिनी है या मेरा जो डेस्टिनेशन है वो यहाँ तक नहीं है, मुझे आगे तक जाना है। यानी खुद को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो कोई भी हो, एस्पिरेंट हो, स्टूडेंट हो, या फिर कोई नॉर्मल पर्सन भी हो, उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है खुद को कि वो कहाँ तक जा सकता है, उसकी लिमिट्स क्या है, उसको अपनी लिमिट्स पता होने चाहिए कि वो कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। तो मैंने रियलाइज किया, तो 2017 के अप्रैल महीने के अंदर मैंने स्कूल को क्विट कर दिया। उसके बाद में मैं कोचिंग करने के लिए जयपुर गया, वहाँ मैंने कोचिंग स्टार्ट करी। 2017 में मैंने कंप्लीट कोचिंग करी, उसके बाद में सेल्फ स्टडी का दौर आया, वो किया। एग्जाम्स के रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे टाइम पे, तो थोड़ा डिप्रेशन भी था, थोड़े पेशेंस भी रखने पड़े। तो ये सारी चीज़ें से गुजरते हुए अब फाइनली हम देखते हैं खुद को, तो ऐसा लगता है कि जो स्ट्रगल्स किए थे, जो एक तरह से प्रोसेस थी, जो जर्नी थी, उसका अच्छा सक्सेसफुल रिजल्ट आया है। तो हम भी काफी खुश हैं, एक तरह से परिवार वाले काफी खुश हैं, क्योंकि कोई इनकम सोर्स जब घर में नहीं होता है किसी के, तो उसको लगता है कि यार जल्दी से जल्दी करें। और फिर उस टाइम के अंदर यदि पेंडेमिक आ जाए, कोरोना जैसी, जिसमें और टाइम लग जाए, तो मान के चलिए पेशेंस आप में होने चाहिए, नहीं तो आप कभी भी एक तरह से अपने आप में आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। तो पेशेंस बनाए रखें, खुश रखें, खुश रहें, उससे अब बढ़ के कुछ नहीं है। ऐसा आप करते जाएंगे तो आप जीवन में कोई भी एग्जाम हो, चाहिए तो सिंपल एग्जाम है, और भी अच्छी अच्छी एग्जाम बाद में आएंगी, उस वो भी आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। सिंपल एग्जाम तो नहीं है रवि, यूपीएससी के बाद एसएससी तो आजकल उसका छोटा भाई हो रखा है, तो सिंपल तो नहीं है, आप मान रहे हैं। आप अपनी जॉब प्रोफाइल के बारे में बताइए कि तीनों में आपको क्या क्या मिला है, एक बार वो भी लोग जानना चाहेंगे कि आप कौन कौन सी जॉब में क्या आपको मिला है एक बार के लिए। जी जी, जो असिस्टेंट लोको पायलट की एग्जाम है वो तो अभी तक मैं ऐसा मान लो कि 2019 में क्लियर हो चुकी थी। जो एसएससी के एग्जाम दोनों हैं, जो सीजीएल और सीपीओ है, ये दोनों एक तरह से अप्रैल में रिजल्ट आया है इनका।
जो 1 अप्रैल को रिजल्ट आया था सीजीएल का, उसमें मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर मिला है, जीएसटी इंस्पेक्टर एक तरह से उसके अंदर। और उसके बाद में रिजल्ट आया सीपीओ का, उसके अंदर मुझे दिल्ली पुलिस एसआई मिला है। तो तीनों ही जॉब देखे तो सेंट्रल जॉब है, अच्छी जॉब है, अलाउंसेज अच्छे हैं, लेकिन फिर भी मेरा जो टेंडेंसी है, मेरी जो टिल्टिंग हो रही है, झुकाव हो रहा है, वो हो रहा है जीएसटी की तरफ, क्योंकि मुझे आगे यूपीएससी का एक तरह से रास्ता तय करना है। मैं सोच रहा हूँ, अभी तक एक तरह से कंफर्म तो नहीं हुआ हूँ मैं उसके लिए, पर मैं सोच रहा हूँ कि यूपीएससी के लिए जाऊँ, तो उसके लिए टाइम चाहिएगा। अब जॉब करते रहते टाइम चाहिए, तो मतलब आपकी जॉब जो है, आपका जो काम हो, थोड़ा ऐसा तो हो कम से कम कि जिसमें आपको थोड़ा बहुत तो टाइम मिले। अब पुलिस वाला काम है, दिल्ली पुलिस वाला, आपको पता ही कितना हेक्टिक है, और लोको पायलट का काम भी है, जो भी हम बात करें तो वो भी 24 आवर्स का काम होता है, आपको कभी भी बुला सकते हैं, मालगाड़ी आपकी रेडी, आपको जाना होता है। तो मेरा झुकाव हो रहा है जीएसटी की तरफ, कि मैं जीएसटी हाँ, इंस्पेक्टर को जॉब भी ज्वाइन अच्छी करूं, है, तो निसंदेह जॉब ये एक प्रोफाइल तरह भी अच्छी से। है। और देखिए रवि, आपने अपना बचपन का बताया, आपने ये भी बताया, ग्रेजुएशन की भी बात हुई, अब जॉब की भी बताई। मेन बात जो है ना वो ये है कि ग्रेजुएशन से इस जॉब को मिलने तक का जो सफर है ना, वही है बड़ा इंपॉर्टेंट। क्योंकि बहुत सारे लोग, ठीक है, ग्रेजुएशन तक होते हैं, उसके बाद मेन जर्नी वो शुरू होती है, असली लाइफ। उसमें आपने किस तरीके से, देखिए इतना बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट का दौर चल रहा है देश भर में, लोगों की अभी भी जॉबें जा रही हैं, इस तरीके से नौकरियां जा रही हैं, और हाँ, कितने सारे डेटा अवेलेबल हैं कि इतना बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट है। उसके बाद हर एक जॉब के लिए इतना लेंदी प्रोसेस रहता है, एग्जाम कंडक्ट कराने में इतनी हाई कट ऑफ जाती है, उसके बावजूद भी आपने 3 जॉब्स क्लियर करी, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। तो वो कैसे, मतलब किस तरीके से, क्या स्ट्रेटेजी रही जो कि बाकी लोग नहीं कर पाते, तीन तीन, क्या एक जॉब भी नहीं कर पाते? देखिए, ग्रेजुएशन करे हुए हमें 5 साल हो चुके हैं, ठीक है, और 5 साल तक हमें जाके जॉब मिलती है, तो हम सोच सकते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कितने स्तर तक बढ़ चुकी है, ठीक है। अब इस टाइम पीरियड के अंदर आपको एक तरह से अपने आप को समझना होता है कि यदि आप में पैशंस नहीं है, आप वेट नहीं कर सकते चीजों का। अब पैशंस भी हार्डवर्क के बाद में काम आते हैं, यदि आप हार्डवर्क करते हो उसके बाद में पैशंस काम आते हैं, ऐसे नहीं घर पे बैठे हो पैशंस काम आ जाएंगे, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो 5 साल का दौर बहुत ही, एक तरह से मैं बोलूं कि बहुत ही डाउनफॉल वाला रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जितने भी आपके सक्सेस प्लस अकेडमी के जो प्लेटफॉर्म है उस पर जितने भी एस्पिरेंट्स जुड़े हुए हैं, उनको बता दूं कि मेरी जर्नी बहुत ही एक सबसे कनेक्टेड रहने की रही है, ठीक है। कि जैसे कि मैं बात करूं कि मेरी जो लाइफ रही है उसके अंदर, मुझे रिसोर्सेज की बात करूं तो मुझे बहुत खुद से जुटाने पड़े हैं। मैंने स्कूल ही ज्वाइन किया, स्कूल ज्वाइन किया तो मुझे लगता था कि मुझे रिसोर्सेज खुद को ही जुटाने पड़ेंगे, मतलब बात खुद पे आ गई। अब बात करते हैं जो एक तरह से कोचिंग वाला टाइम चालू हुआ, शुरू हुआ, उसके अंदर आपने कहा कि 3 एग्जाम क्लियर कर ली, किसी को एक भी नहीं मिल रही, तो ये देखो, ये सिस्टम का फेल्योर ही कहा जाएगा यहाँ पे। यदि सिस्टम जो है वो 1 साल के अंदर एक एग्जाम कंडक्ट आराम से करवा दे, तो मेरे जैसे एस्पिरेंट है वो एक जॉब लेके निकल जाएंगे और आगे वाले आएंगे। अब एग्जाम का रिजल्ट 3 3 साल 4 4 साल नहीं आता है, तो फिर लगता है कि ये जो 3 एग्जाम है वो एक ही बार में कंडक्ट हो, एक ही बार में रिजल्ट आया इनका। लेकिन नहीं, ये एग्जाम अलग अलग पीरियड में कंडक्ट हुए थे, रिजल्ट इनका साथ में आया है। हाँ, तो ऑब्वियसली अगर बेसिक आपका तरीका ये होता एसएससी है कि क्लियर हो आपको, जाता, आपका एसएससी क्लियर हो जाता तो आप सीपीओ नहीं देते, आप रेलवे एएलपी नहीं देते, तो वो एक बात है। आप ऊपर वाली जॉब के लिए हो सकता है ट्राई करेंगे, लेकिन और फॉर्म तो नहीं भरेंगे, है ना, वो एक बात तो है ही, ऑब्वियस ठीक बात है। है। और एक बात मैं और आपसे जानना ये चाहूंगा, बहुत, जो स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आप बोलिए बोलिए। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि 3 जॉब बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है पहली जॉब को प्राप्त करना, फर्स्ट जॉब को। और मेरी फर्स्ट जॉब थी असिस्टेंट लोको पायलट। दैट मीन्स यहाँ पे बात बताने वाली इंपॉर्टेंट बात यह है कि फर्स्ट जॉब प्राप्त करने में आपको एक स्टैंडर्ड तक जाना होता है, उस लेवल तक पहुंचना होता है कि उस लेवल के बाद में आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे। तो फर्स्ट जॉब जो आपकी लगती है, आप उस स्टैंडर्ड तक पहुंच चुके होते हैं कि हाँ मैं जॉब ले सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद में आपका वो लेवल बन जाता है, आप सेम सिलेबस वाली कोई भी एग्जाम होती है उसको आप क्लियर कर सकते हैं, नो डाउट। तो पहली एग्जाम तक आपको उस स्तर तक पहुंचना होता है। दैट मींस आप अपने आप को इतना ग्रूम करें, एनहांस करें अपनी क्वालिटीज को, कि उस स्तर तक लेके जाएं कि मैं कम से कम एक जॉब ले सकूं। उस एक जॉब लेने के बाद में आपका स्तर वो हो जाता है कि आपके सारे फंडे क्लियर हो जाते हैं, आप और कोई एग्जाम जिसमें सेम सिलेबस आता है आप उसको आसानी से क्लियर कर सकते हैं। सही बात है। अब मैं एक बात और जानना चाह रहा हूँ कि आपने कहा कि रिसोर्सेज खुद से जुटाना पड़ा, उसके बाद कोचिंग्स के लिए, तो एक बात मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कोचिंग करना कितना जरूरी है? क्या बिना कोचिंग के ये एग्जाम्स क्लियर नहीं किए जा सकते?
क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जैसे हमारे साथ भी जुड़े हुए, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं बच्चे, कई होंगे, हो सकता है जो मतलब ऑफलाइन कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरे शहर में जाके रहना, सिर्फ उसकी फीस नहीं, हर महीने का खर्चा लगता है, बहुत सारा पैसा लगता है, तो हो सकता है कोई नहीं कर पा रहा हो, तो उनके लिए क्या सजेशन है कि कितना जरूरी है और किस तरीके से कोचिंग की क्या इम्पोर्टेंस है, ये आप एक बार के लिए बताइए। देखिए, ऐसा कहना कि बिना कोचिंग के सिलेक्शन नहीं हो सकता, ये भी गलत है। और कोचिंग करके सिलेक्शन हो भी जाए, हो ही जाएगा, ऐसा करना भी सही नहीं है। यानी कोचिंग का और सेल्फ स्टडी का दोनों का एक तरह से मिक्सचर है सिलेक्शन लेना। हाँ, कोचिंग जो होती है वो सिर्फ गाइडेंस होती है आपके लिए, वो सिलेक्शन नहीं दिलवाती आपको कि कोई कोचिंग ज्वाइन कर लिया आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, सिलेक्शन तो आपकी सेल्फ स्टडी ही लेके जाती है, ठीक है। कोचिंग क्या होती है, ऐसा मान लो कि आप कोचिंग को 30% दे दो और सेल्फ स्टडी को 70%। इतना मैं आपको पॉइंट में बता सकता हूँ कि 30-70 का रेशियो है कोचिंग का और सेल्फ स्टडी का। कोचिंग होती है आपको एक तरह से पुश करती है टुवर्ड्स योर गोल। एक बात और, आपका ये जो गोल है उसकी तरफ पुश करती है। जैसे अभी कोरोना टाइम चल रहा है, कोचिंग वगैरह तो सब बंद है, तो मुझे जहां तक लगता है कि मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से स्टडी से जुड़ा हूं, तो मुझे लगता है कि हर एक चीज जो आप समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जो नहीं समझ में आती उसी के लिए तो कोचिंग चाहिए, वो तो सब कुछ अवेलेबल है आजकल, फ्री ऑफ कॉस्ट इतना कुछ अवेलेबल है। आप खुद भी मतलब अब तो मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि रवि सर खुद का इनका चैनल है रिवॉल्यूशनरी वोकैब करके, वहाँ पे इंग्लिश पढ़ाते हैं, और ऐसे ही मतलब बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कंटेंट को आपको अवेलेबल कराते हैं फ्री में, आपको पैसे देने की भी जरूरत नहीं है आज के टाइम, तो इतना सिस्टम आपके पास अवेलेबल है। तो ये चीज है कि चलो ठीक है, कोचिंग कर लो, कोई अफोर्ड कर सकता है करो, लेकिन कोचिंग आपके सिलेक्शन की गारंटी नहीं दे सकती, और ना कोचिंग करना आपका ये भी नहीं है कि आपको सिलेक्शन नहीं होगा। लोग यूपीएससी क्लियर करते हैं, इतना बड़ा एग्जाम है, बिना कोचिंग के करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी रैंक भी लाते हैं। सही बात है। अच्छा, तो एक बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है और सभी जानना चाहेंगे मेरे ख्याल से, और वो ये है कि एक दौर था एसएससी का, और वो दौर कॉन्स्टेंटली चलता सा ही रहता है कि एग्जाम टाइम पे नहीं होना। जैसे 2017 का जो था वो कितना हेक्टिक टाइम था, बच्चों ने स्ट्राइक करी, इतने बड़े लेवल पे स्ट्राइक करी, लेकिन कोई उसका बड़ा रिजल्ट नहीं आया, कि एसएससी ने कोई ऐसी बड़ी गाइडलाइन नहीं करी। एक बार के लिए ट्विटर पे कैंपेन चलता है तो एक बार के लिए दे देते हैं कि चलो हम करा देंगे, ये डेट दे दी, वो दे दी, लेकिन ओवर द टाइम हमेशा एक ऐसा हेक्टिक टाइम चलता रहता है कि एस्पिरेंट्स सोचते हैं कि ये एग्जाम होगा कब, होगा कब रिजल्ट आएगा, तो उस टाइम पे आपने खुद को किस तरीके से अपने मेंटल स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखा, वो आप एक बार। बिल्कुल, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो आपने उठाया है, क्योंकि आज का जो टाइम है वो एक साल में सिलेक्शन लेने वाला नहीं है, एक साल, दो साल, तीन साल, कितना भी टाइम लग सकता है। और इस टाइम पीरियड के अंदर एक जो सीरियस एस्पिरेंट होता है, मैं बात कर रहा हूँ सीरियस एस्पिरेंट की, वो अपना कॉन्फिडेंस को खो बैठता है। सीरियस एस्पिरेंट की बात कर रहा हूँ, तो तीन तीन साल, चार चार साल लगते हैं, उसके अंदर जो आपको मेंटल स्टेबिलिटी है उसको बहुत अच्छे से रखना पड़ेगा। दैट मींस आपका जो जुनून है, आपका जो एक तरह से आपके जो पेशेंस है वो बहुत अच्छे होने चाहिए। टाइम पे रिजल्ट नहीं आना, इससे आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं, आप स्टडी को छोड़ सकते हैं, और जहां आपने कंटिन्यूटी को ब्रेक किया आप बहुत दिन पीछे चले जाओगे। दैट मींस आपको कंटिन्यूअस एफर्ट्स करने पड़ते हैं उस दौरान, जितनी टाइम में आपका रिजल्ट नहीं आता है। तो आपकी मेंटल स्टेबिलिटी की बात करूं मैं, इसका एक तरह से मैं बोलूं कि आपको इंस्पायर कैसे रहना है। मान लो चार साल लग गए जॉब लेने में, तो चार साल आपको इंस्पायर कैसे रहना है, उसके मैं टेक्निक में बताऊं, या जो मेरे अंदर जो बीता है वो मैं बताऊं आपको। एक तो आप उन लोगों के बीच में रहें जो कि पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाते हैं, ठीक है। पॉजिटिव इन्वायरमेंट मतलब जो सीरियस है सिलेक्शन लेने के लिए, आप उनके बीच रहें। उन लोगों के बीच ना रहे जो डिस्ट्रैक्शन पैदा करते हैं या चीजों को मजाक में लेते हैं, ठीक है। मजाक करना जरूरी होता है, दिन के 24 घंटे में से एक घंटे आपने कुछ भी हंसी मजाक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी के टाइम में सीरियस स्टडी करने वाले लोगों के बीच में रहें, ठीक है। इंस्पिरेशन आपको बाहर से कुछ नहीं चाहिए, इंस्पिरेशन की जरूरत पड़े तो आप अपने मम्मी पापा से बात कर लें, पेरेंट्स से बात कर लें, एक बार उनके स्ट्रगल्स को देख लें। आपको एक्सटर्नल इंस्पिरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके अंदर से वो भावना आएगी, अंदर से वो फीलिंग आएगी मुझे करके दिखाना है। आपका डिटर्मिनेशन ऐसा होना चाहिए, आप उस चीज के लिए डिवोट होने चाहिए, त्याग समर्पण इतना गहरा होना चाहिए कि चार साल क्यों, पांच साल लग जाएं, लेकिन आपको तैयारी नहीं छोड़नी है अंटिल आपका सिलेक्शन नहीं होता तब तक। तो ये चीजें होती हैं, इंस्पिरेशन हो गया, आपका डिटर्मिनेशन हो गया, आपका डिवोशन हो गया, आप में दृढ़ इच्छा शक्ति हो गई, आपके स्ट्रगल्स देख लो अपने पेरेंट्स के, और उन चीज लोगों के बीच में रहो जो पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाते हैं। ये जो स्ट्रेटजी होती है, ये जो आपकी थिंकिंग होती है,
ये आपको सॉलिड रखती है ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। एक बात मैं और जानना चाह रहा हूँ सर, बात ये है कि मान लीजिए कोई एस्पिरेंट तैयारी कर रहा है और एक साल दो साल तैयारी है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, वो किसी दूसरी चीज में लग गया, वो जॉब कर रहा है, मान लीजिए पार्ट टाइम जॉब कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो जॉब के साथ आज के टाइम पे एग्जाम निकालना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, ये बात आप जानते हैं कि कितनी कट ऑफ जाती है। तो उस टाइम पे भी वो खुद को कैसे मोटिवेट रखे कि हाँ भाई मैं ये चीज साथ में भी कर लूंगा, क्योंकि कई बार फाइनेंशियल स्थिति ऐसी नहीं होती है कि इंसान पूरे टाइम पूरा टाइम स्टडी होते हैं, चार साल तक पांच साल तक, ये भी एक मुश्किल काम है, तो आप वो उसके बारे में कुछ बता सकते हैं। तो जो वर्किंग जो पर्सन है जो काम करते हैं उनको अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, उसको 8 घंटे या 10 घंटे काम के अलावा जो टाइम बचता है उसको ढंग से मैनेज करना पड़ेगा, टू द पॉइंट बात करनी पड़ेगी, ढंग से सिलेबस को जानना होगा जो वो एग्जाम क्लियर करना चाहता है। और पूरे दिन जब 8 घंटे होते हैं तो हम सोशल मीडिया बहुत यूज करते हैं, आप सोशल मीडिया को क्विट करें, उस टाइम में कुछ पढ़ लें, कुछ भी वेबसाइट खोल लें, वहां पे करंट अफेयर्स पढ़ लें, कुछ भी पढ़ लें, यानी कि आपको इन्वॉल्व रहना चीजों के अंदर, जो भी चीज आप क्लियर करना चाहते हैं उसमें आप अपना इन्वॉल्वमेंट बढ़ा दें, उसमें घुस जाएं, उससे बाहर निकल ना पाए। आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए, आपने कुछ भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उसमें वही चीज देखें जो आपके लिए जरूरी हो, फालतू की न्यूज क्यों पढ़ें। दैट मीन्स काम करने वाले पर्सन हैं उनके अंदर एक एबिलिटी डेवलप करनी होगी, एट दैट इज इन्वॉल्वमेंट, उनको इन्वॉल्व ज्यादा होना पड़ेगा चीजों के अंदर, काम करने के दौरान भी इन्वॉल्व रहना है, उसके अलावा जो टाइम बचता है उसको भी ढंग से मैनेज करना है और आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। ओके, और मतलब एक बात ये जो है कि आपने कितने टाइम आप पढ़ते थे और किस तरीके से आपने, मैंने तो देखा है, मैं मतलब बताऊं अपने जो दर्शक हैं उनको एक बात कि हम एक बार साथ में जॉब करते थे, पढ़ाते थे कहीं पे, तो रवि का जो डेडिकेशन था ना वो मतलब इतना था, मतलब मुझे मोटिवेट करता था, इंस्पायर करता था कि सुबह ये सुबह जल्दी उठ के ये आते थे, सुबह 3-4 घंटे पढ़ के, फिर जॉब की, शाम को 5 बजे जाते थे, फिर सीधा लाइब्रेरी जाते थे, वहां से पढ़ाई करते थे 9 बजे, फिर आके खाना खाते। बिल्कुल, मतलब ये जो चीज है ना ये आपको अंदर से खुद ही फील करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि आपको कोई पुश करे, वो 1 दिन 2 दिन 10 दिन हो सकता है, लेकिन इंटरनल अगर आप चाहते हैं ना कि मुझे ये अचीव करना ही है तो वो मिल जाता है। ये चीज मैंने आपको देखी है तब मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि और किसी का बोल रहा हूँ, ये बात है। तो और एक और बात जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो जब हम बात कर रहे थे कि कोचिंग्स भी बहुत है, ऑनलाइन कंटेंट भी बहुत है, इतनी सारी किताबें भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, स्मार्ट स्टडीज इसको बोलते हैं, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं 6 घंटे 8 घंटे रेगुलर पढ़ रहा हूँ लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, उसका आउटपुट नहीं आ रहा है, इसका मतलब इनपुट्स में कुछ कमी तो है, वो चीज। जी देखो ये आज की कॉमन समस्या है कि 8 घंटे पढ़ना, 10 घंटे पढ़ना, 12 घंटे पढ़ना, ठीक है, बल्कि डिस्ट्रैक्शंस इतने ज्यादा हैं लाइफ में कि आदमी फोकस नहीं कर पाता। जैसे कि आजकल एक नया वर्ड चल रहा है मल्टीटास्किंग, ठीक है, आपको किसी भी चीज में मल्टीटास्किंग होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपका एक टाइम में एक ही गोल होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है, बस आप उसको कंप्लीट करने में अपनी जी जान लगा दो, क्या दिक्कत है। दैट मीन्स आपके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, ऑनलाइन रिसोर्सेज है, ऑफलाइन है, PDF है, बुक्स है, वीडियोज है, क्विजेज है, बहुत सारे रिसोर्सेज है, उनके अंदर से आपको सिलेक्ट करना, पिक करना कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है, यानी कि और फिर उन चीजों को फॉलो करना है उनसे, हाँ एग्जाम ओरिएंटेड कि कौन सी चीज आपके लिए यूजफुल है, द मोस्ट यूजफुल है, उसको आप सिलेक्ट करें और उसी को टिल योर सिलेक्शन फॉलो करते जाएं। ऐसा नहीं कि बीच में वो फॉलो कर लिया, बीच में वो फॉलो कर लिया, ऐसे नहीं है। आपको बहुत सारे रिसोर्सेज आपके पास होंगे, बहुत सारी बुक्स होंगी, उन बुक्स के अंदर से आप सिलेक्टेड उठाएं उसी को स्टडी टेबल के ऊपर और किसी चीज को। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा कि आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा इस चीज के लिए कि आप अपने चैनल पे भी या जैसे भी जो बुक्स वगैरह जो चीजें आप फॉलो करते थे उस चीज के बारे में आप एक वीडियो बना दीजिए, क्योंकि इंटरव्यू में ये सब चीजें बताना तो बहुत मुश्किल काम है, आप एक एक करके नोटेड करके बताएं, लेकिन जो स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं उनके लिए आप बना दीजिएगा, वो ठीक है और वो उसमें कोई ज्यादा इश्यू भी नहीं है, बट ये जो चीज है ना, हाँ जो लोग बताइए सर, जो लोग इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं, देखो मैं हिंदी मीडियम से था, ठीक है, मेरे लिए इंग्लिश की तैयारी करना बहुत ही टफ टास्क था, बिकॉज SSC CGL है या CPO है, दोनों में इंग्लिश का लेवल बहुत अच्छा आता है, और उसमें भी बात करूं तो वोकेबलरी सेक्शन है ना, जो आपकी मीनिंग्स वगैरह हैं, सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, वन वर्ड्स हैं, idiom phrases हैं,
उसका बहुत बड़ा सेक्शन आता है, ठीक है। तो उसकी मैं एक तरह से मैंने अच्छे से तैयारी करी, तो मैं मानता हूँ कि उन चीजों को एक तरह से शेयर करना एक तरह से आपके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। तो मैं अपने चैनल पे ये चीजें डालता रहता हूँ, एक तरह से मैं वोकैबुलरी जो सेक्शन है उसको कवर करता रहता हूँ। तो मैं बिल्कुल वहां पे ये चीजें बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव किया। ये बिल्कुल सही बात है आपकी सर। बात ये है सर कि एक बात तो बहुत बढ़िया है कि आप खुद बोलते हैं कि आप हिंदी मीडियम से थे, ठीक है, हिंदी मीडियम के बाद भी आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, जिस चीज़ को आपने इस चैलेंज की तरह लिया है, बहुत ही बढ़िया बात है। मतलब ये ही अपने आप में एक मोटिवेशन होने बिल्कुल वाला है। और हम कोशिश कर रहे हैं सर के साथ बात करने की कि एक आध सब्जेक्ट ये हमारे यहाँ पे भी करा दें, अगर कुछ कोलेब्रेशन ढंग से हुआ तो बिल्कुल करेंगे और देखेंगे क्या है। और फाइनली आप एक चीज़ और थोड़ा सा, एक जो स्टूडेंट्स जो कोरोना के टाइम पे बहुत हेक्टिक हैं, मेंटल एक तरीके से परेशानी में चल रहे हैं, उनके लिए आप एक तरह से बताइए कि उनको क्या करना चाहिए इस टाइम पे, किस तरीके से खुद को मोटिवेटेड रखें, ऐसे प्रिपेयर करें खुद को आने वाले एग्जाम्स के लिए। और मतलब सेम जो एक तरीके के एग्जाम्स हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप्स जिस तरीके के आपने क्लियर, उनके लिए थोड़ी सी स्ट्रेटजी आप एक बार बता दीजिए। देखिए, कोरोना का टाइम सबके लिए बहुत ही खराब है, ठीक है। इवन जो मैं हूँ, मेरी एग्जाम्स भी क्लियर हैं, तो भी मुझे लग रहा है कि बहुत खराब टाइम चल रहा है, ठीक है। और बहुत सारे लोग इससे परेशान भी हो रहे हैं, जो आपकी जॉब्स हैं वो भी मतलब छूट गई लोगों की। तो इस टाइम जो एस्पिरेंट है उसको एक तो अपनी रूटीन पे ध्यान देना चाहिए, उसकी रूटीन क्या है, ठीक है। अब छुट्टी है इसका मतलब ये नहीं कि आप सुबह 8 बजे सुबह 9 बजे उठ रहे हैं, नहीं। आप एक फंडा अपनी लाइफ में जरूर अपनाएं, दैट इज अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। मैं इस फंडे को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करता हूँ, ठीक है। जिस टाइम मैं प्रिपरेशन करता था, मुझे रात को 10 बजे सोना होता था फिक्स, और सुबह 5 बजे उठना, ठीक है। उसके बाद में मैंने डेली काम करता था, मेरा खाना बनाना और है, और मैं सुबह 6 बजे लाइब्रेरी पहुंच जाता था। सुबह 6 बजे मैं लाइब्रेरी पहुंच जाता था मेरा मेरी सेल्फ स्टडी करने के लिए, और शाम को 7 से 8 बजे आता था, ठीक है। दैट मीन्स कि आप अपनी रूटीन जो है उसको ढंग से बनाएं, एनालिसिस करके बनाएं, मुझे ये करना है इस टाइम पे, ये करना है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, जितने भी बड़े लोग हैं ना, वो सारे एक चीज मेंटेन करते हैं, और वो उनका डेली डायरी होता है, वो डायरी मेंटेन करते हैं, और उस डायरी में वो लिखते हैं कि आज के दिन में मुझे ये काम करना है। दैट मीन्स आपने गोल बनाया कि मुझे आज मैथ के 100 क्वेश्चन करने हैं, आपने लिख लिया, और आपको तब तक नहीं सोना रात को जब तक आप उस 100 क्वेश्चन वाले पॉइंट के ऊपर आगे टिक मार्क नहीं लगा दें कि मैंने किया कि नहीं किया। आप दिन में ये गोल बनाएं, आपके दिन के गोल होने चाहिए। आपके 5 साल बाद का गोल है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट जो दिन का गोल है कि आज के दिन में मुझे क्या करना है, तो आप उनके पॉइंट बनाएं, उन सब पॉइंट को टिक मार्क करने के बाद आप में सेटिस्फेक्शन आएगा कि हाँ, आज मैंने जो डिसाइड किया था वो कंप्लीट हो चुका है। तो सेटिस्फेक्शन भी जरूरी होता है दिन के एंड में, ये सोच के सोना कि यार मेरा सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं। आप दिन के गोल डिसाइड करें, उनको कंप्लीट करें, और रात को आराम की चैन की नींद सोएं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नींद अच्छी आएगी। हाँ, आपको लगता है कि थोड़ा मैंने गोल कम डिसाइड किया था, तो दूसरे दिन ज्यादा गोल कर दे कि हाँ मैंने 100 क्वेश्चन किए थे, आज मैं 150 क्वेश्चन करूंगा। लेकिन रात में जब सोते वक्त ये फीलिंग आ जाए कि हाँ, जो मैंने डिसाइड किया था, जितना डिसाइड किया था मेरे अकॉर्डिंग, वो मैं कंप्लीट करके सो रहा हूँ, इससे अच्छी फीलिंग कुछ नहीं हो सकती। दैट मीन्स आप अपने रूटीन पे स्टिक रहें, ठीक है, खुद को मोटिवेट रखें, पॉजिटिव इन्वायरमेंट के बीच में रहें, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। और पेशेंस बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेशेंस नहीं होंगे तो आप बीच में टूट सकते हैं, आप डिप्रेस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। आप पेशेंस बनाए रखें, अपने आप को डिटरमाइन रखें, अपना त्याग समर्पण जो सोशल मीडिया उसको क्विट कर दें। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है, सोशल मीडिया है उसको क्विट कर दें, वो सारी चीजें आपको और कहीं मिल जाएंगी। आप वेबसाइट पर जाके देख लें, सर्च कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। सोशल मीडिया का टाइम आप नोटिस करेंगे तो आप दिन के 4 से 5 घंटे सोशल मीडिया यूज कर लेते हैं, पता भी नहीं लगता। तो जिस टाइम पीरियड के अंदर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं खासकर, उस टाइम पीरियड के अंदर आप सोशल मीडिया को क्विट कर दें। फेसबुक, व्हाट्सअप तो आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है, तो इसको क्विट करना तो थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा, बट फेसबुक है, इंस्टा वगैरह है, इनको आप क्विट करें। ये टाइम टाइम कंज्यूमिंग है, ये टाइम आप अच्छी चीज़ों में बिताएं, जो अच्छे सोर्सेज हैं उन पर जाएं, वेबसाइट पर जाएं, सर्च करें, करंट अफेयर्स पढ़ें, और चीज़ों के नोट्स बनाएं, उनको डेली बेसिस पे रिवाइज करें। देखो, रिविजन के बिना सिलेक्शन नहीं होगा, ये आप ध्यान रखें, गांठ बांध लें कि रिविजन के बिना सिलेक्शन कभी नहीं होगा। चाहे आप चीज़ों को कम पढ़ लें, 20 मीनिंग पढ़ने थे दिन के, आप 10 मीनिंग पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं है, बट उनको दिन में 5 बार रिवाइज जरूर करें। मैं अपने चैनल पे यही बताता हूँ सबको कि आप मीनिंग याद कर रहे हैं, 50 मीनिंग मत याद करें दिन के, आप 10 मीनिंग लिखें एक पेज के ऊपर, और दिन में 5 बार 5-5 मिनट का टाइम ले लें,
सुबह 5 मिनट निकाल ली, दोपहर में 5 मिनट निकाल ली, शाम को 5 मिनट निकाल ली, रात को 5 मिनट निकाल ली, आप 5-5 मिनट का टाइम पीरियड निकाले उनके लिए, उनको रिवाइज करते रहे, आपको 10 वर्ड याद हो जाएंगे। इसके बजाय आपको 50 वर्ड लिखने नहीं है, 10 वर्ड लिखने 5 बार रिवाइज करना है, न कि 50 वर्ड लिख के 1 बार रिवाइज करना है। दैट मीन्स रिविजन इज द की। जो भी पढ़ा है रिवाइज करोगे, आपको अच्छे से चीजें कंसेप्ट आपको याद होंगे और आप अच्छे से एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे। तो मेनली इनके जो पॉइंट्स है ना वो आप नोट कर सकते हैं, और डिसिप्लिन रखना है लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव अप्रोच बहुत जरूरी है ऐसे टाइम पे, कोरोना हो या किसी भी टाइम पे। उसके बाद ये जो स्टडी है ये पार्ट टाइम नहीं है, इसको फुल टाइम हर टाइम एक्टिवली आपको इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, मतलब रहना पड़ेगा। और डिस्ट्रैक्शन जो है वो किसी भी तरीके के हों, चाहे सोशल मीडिया हों या फिर किसी भी तरीके के हों, वो नहीं। और जो लोग हैं अपनी कंपनी है वो भी अच्छी रखें। तो ये कुछ 5-7 पॉइंट हैं जो सर ने बताए और आपको सब पर ध्यान ही बिल्कुल। तो एक अच्छे नोट पे रवि को फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करके इस चीज को हम खत्म करेंगे। आप बोलिए जो सर बोलना चाहते हैं, क्या कह रहे, कुछ कह रहे थे। बिल्कुल, ये जो था कि एक तरह से मैं कुछ रिसोर्सेज की बात कर लूँ, जैसे कि अपने 4 सेक्शन होते हैं, बेसिकली 4 सेक्शन होते हैं किसी भी एग्जाम के अंदर, जैसे कि रीजनिंग होता है, जीके होता है, मैथ्स होता है, इंग्लिश होता है, ठीक है। तो रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि जो आराम से क्लियर किया जा सकता है, लोग 50 से 50 भी स्कोर करते हैं, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर लो, और मॉक टेस्ट होता है वो उसमें जो क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व कर लो, तो आपकी रीजनिंग क्लियर हो जाती है। जीके पोर्शन है उसके लिए आप करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस करें, ठीक है, और साइंस के क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि साइंस भी आती है और करंट अफेयर्स भी आता है। इसके अलावा जो स्टैटिक जीके आता है ना, वो तो देखो इतना वास्ट है कि अब क्या ही बात करें, ठीक है। तो स्टैटिक जीके के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर कर लें, करंट अफेयर्स के लिए आप डेली टू डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहें और उससे जितने भी आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको नोट कर लें, ठीक है। और साइंस है उसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैथ की बात करते हैं तो मैथ्स बैकग्राउंड से होना इसलिए आपको साइंस आसान लगती है, जो दूसरे बैकग्राउंड से उनको जीके वो पढ़नी पड़ेगी, वो भी तो बात है, ठीक है। तो मैथ्स की बात करूं तो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक आती है किरण प्रकाशन की, ठीक है, तो वो आप परचेज कर लें, एक बुक सफिशियंट कर सकता हूं मैं, ठीक है। इसके अलावा जो ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, जैसे कि 2-3 एप्लीकेशन के नाम बताऊं आपको मैं, अड्डा 247 है, एसएससी ट्यूब है, इनकी जो फ्री क्विजेज है ना उनको आप डेली बेसिस पे रिवाइज करते रहे, ठीक है। आप पेड को, मैंने कभी पेड कोर्स नहीं खरीदा किसी भी सब्जेक्ट का, इवन मैंने मैथ्स की जो मैं आपको बुक बताई है किरण प्रकाशन की, वो बुक मैंने कभी परचेज नहीं करी। मुझे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने थे मैंने कभी किसी बुक किसी से लेके वो पढ़ लिए। और इंग्लिश जो है उसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर की बुक आती है एमबी पब्लिकेशन, ठीक है, उसको आप ढंग से रिवाइज कर लें। यदि आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो आप एमबी पब्लिकेशन बुक जो है प्रीवियस ईयर पेपर की, उसके अंदर सारा कुछ है, पेपर्स हैं, वोकैबुलरी है, सब कुछ है, उसको आप ढंग से रिवाइज कर लें, याद कर लें उसको। यदि आप उसको याद नहीं कर पाओगे तो आपका सिलेक्शन बहुत ही मुश्किल है एसएससी जैसी एग्जाम के अंदर, ठीक है। और यदि आप उससे भी ऊपर लेवल पर जाना चाहते हैं तो एक बुक आती है एस टी बख्शी राइटर है उनकी इंग्लिश की बुक आती है, उसके अंदर और अच्छी वोकैबुलरी है, ठीक है। और मैं ज्यादा वर्क वोकैबुलरी पे इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज इंग्लिश लैंग्वेज का जो बिल्डिंग ब्लॉक है जिस पे चीज टिकी होती है वो वोकैबुलरी है। आपका इतना पोर्शन आता है सिनोनिम एंटोनिम्स हैं, वन वर्ड है, इडियम फ्रेजेस हैं, इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम है वो रखा है रिवोल्यूशनाइजिंग द वोकैबुलरी, यानी कि वोकैबुलरी है उसको बहुत अच्छे से मैं एक तरह से एनालिसिस कर रहा हूँ और लोगों को बता रहा हूँ अपने चैनल के ऊपर। तो ये जो बुक है ये आपको फॉलो करनी, रिसोर्सेज फॉलो करने हैं। ऑनलाइन सोर्सेज की बात करूं मैं तो जो मैथ्स के एक तरह से पवन राव सर हैं, जो मैथ्स के पवन राव सर हैं उनसे मैं डायरेक्टली पढ़ा भी हूँ, ठीक है, वो मैथ्स के बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनके चैनल आप फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं मैथ्स, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी एज ए रिसोर्सेज जो मैंने फॉलो करी हैं और ये बहुत ही कम है। देखो आप रिसोर्सेज जितने कम रखोगे आपका रिजल्ट उतना ही अच्छा आएगा, रिसोर्सेज कम से कम रिजल्ट उतना अच्छा आएगा। आप डिस्ट्रैक्शंस मत करें, अपने रिसोर्सेज को कम इतना छोटा रखें कि उस पर फोकस रहे आपका। आपके सामने 10 बुक नहीं होनी चाहिए मैथमेटिक्स की, एक ही बुक होनी चाहिए, उसको आप 10 बार रिवाइज करें, दैट इज द की। और सर का जो चैनल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा रिवोल्यूशनरी वोकैब का। और बाकी ठीक है सर, यही था आज की जो है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपने अपनी स्ट्रेटजी शेयर की। जी बोलिए। जो एस्पिरेंट्स हैं अपने उनके लिए मैं बता दूं कि भाई टाइम बहुत ही डाउनफॉल वाला है, अपने आप को स्टिक रखें टू द रूटीन, और जो भी आपकी रूटीन है जैसी भी आप मैनेज कर पा रहे हैं, क्योंकि सबकी लाइफ अलग अलग होती है, हम एक ही तराजू में सबको नहीं तोल सकते,
क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी अलग हो सकती है, किसी और की अलग हो सकती है, फिर भी जो भी आपने अपनी अकॉर्डिंग रूटीन बनाई है उस पे आप रहे, खरे उतरे और कंटिन्यूस एफर्ट्स करते रहे। ब्रेक आएगा तो आपको ही लॉस करेगा, जो ब्रेक आता है वो आपको ही लॉस करेगा। कंटिन्यूसली एफर्ट करते रहे टुवर्ड्स योर गोल और एक दिन आई होप कि आप सभी सफलता लेके सफलता प्राप्त करेंगे। तो ठीक है सर, यही था आज का हमारा सेशन। थैंक यू वेरी मच। आपको भी मजा आया होगा, आपको मजा आया होगा और जो देखने वाले लोग हैं उनको मजा आया होगा। किसी तरीके का आप अपनी जो राय है वो आप डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके पास खुला है। और हमारी तरफ से अगर आपको कुछ कमी लगी, कुछ हो तो आप वो भी बता सकते हैं। तो आप चैनल को बिल्कुल कोई भी फॉलो कीजिए, सक्सेस प्लस अकेडमी को भी फॉलो कीजिए, ताकि आने वाले समय में जब सर कुछ और यहाँ पे कोलैबोरेशन करें तो आपको उसकी अपडेट भी मिलती रहेगी। और होपफुली हम जल्दी करेंगे, इस बारे में हमारी बातचीत चल रही है। और सक्सेस प्लस अकेडमी पे हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ वीडियोस हैं जीएस के स्पेशली यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। आप देखिएगा, आपको अगर अच्छा लगे तो आप ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।